कोलकाता के एक अस्पताल में विभत्स घटना होती है, जहां पर एक जूनियर डॉक्टर की न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उसकी हत्या भी कर दी जाती है। और इस बात से पूरे देश के डॉक्टर्स, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, सभी काफ़ी आक्रोशित है। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ के सबसे बड़ा जो हैलेट अस्पताल है, वहाँ के देखिए सारे जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं सब यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। उन्होंने सारी सर्विसेज यहाँ की बंद कर दी है, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर यहाँ पर कोई भी सर्विसेज नहीं है। और वो इस बात का आक्रोश जता रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स के साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है। इसी बात को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। यहाँ पर जगह बैनर्स भी इनके हाथ में है, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। एक एक करके सबसे बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इनकी मांग क्या है। शुरुआत आपसे करेंगे, इतनी विभत्स घटना हुई है वहाँ पर, सभी कोई जानता है, अब आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी एज सच कोई मांगे नहीं है। जो वहाँ पे निर्मम हत्या हुई है, उस हमारे रेजिडेंट की, हमारी बहन की, जो हमारे साथ पूरी जुटी रहती थी, हमेशा मरीजों की सेवा करती रहती थी, उसके साथ जो कांड हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है, उसके अगेंस्ट में हम खड़े हैं। और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारे साथी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, हम बस उनका सपोर्ट में हैं, उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पर और फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक लड़की के साथ ऐसा हो जाता, अभी हम लोग ने निर्भया कांड भी देखा था दिल्ली में, उसी की तरह से एक तर्ज पे इस तरह का कांड हुआ, क्या कहना चाहिए? जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। एक डॉक्टर जो कि समाज का रक्षक होता है, वो हम लोग रेसिडेंट्स 36-36, 40-40 घंटे की ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल हमारा दूसरा घर हुआ। अगर एक लड़की अपने कार्यस्थल पर, और हमारे लिए तो हमारा दूसरा घर ही, अगर अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब बहुत सोचने वाला मुद्दा है। लड़कियां घर तो नहीं बैठ सकती, उन्हें काम करना ही है। अगर वो अपने काम की जगह पे सुरक्षित नहीं है, और वो इंसान जो लोगों की जान बचाता है, जो इतनी ज़्यादा समाज का जो रक्षक है, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया तरीके से हुआ है ये, जो कुछ भी हुआ है। हमारा बस यही है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी उस बहन को न्याय मिले, जितनी जल्दी हो सके जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सज़ा मिले, और ऐसी कड़ी सज़ा मिले कि आगे से फ्यूचर में कोई भी ऐसा कुछ भी करने से पहले उसका रूह कांप जाए कि हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बस हमारा यही है। और हम अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम यहाँ पे सुरक्षित है, हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो लोगों की सेवा करने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब हम नहीं कर पाएंगे, हम अपनी ड्यूटीज दे ही नहीं पाएंगे अगर हम सेफ नहीं फील कर रहे तो। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, और अगर उनके साथ ही इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो फिर इंसान कैसे सुरक्षित रह सकता है? आप लोगों ने सुना इतनी विभत्स घटना हुई थी, उस घटना के बाद से ये कहीं ना कहीं मन में डर है क्या? हाँ, जब भी हम लोग ड्यूटी करने जा रहे हैं रात में या नाइट में, जो भी हमारी सेमिनार्स रूम है, पहले हम लोग फ्रीली रहते थे, लेकिन ये घटना होने के बाद डर तो है, कहीं ना कहीं काफ़ी डर है हम लोगों को, तो हम उस तरह से पहले की तरह तो फ्री नहीं रह पाएंगे अब। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, उसके बावजूद ये ऐसा लगता है कि शायद उसमें अभी कुछ कमियां हैं, या अभी उसमें किसी और सुधार की ज़रूरत है कि और ज़्यादा सुरक्षित कम से कम बेटियां और खासकर फीमेल डॉक्टर्स हो पाएं? अभी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है हमें। अभी हम अपने वर्क प्लेस पर बिल्कुल सेफ फील नहीं करते हैं, और आए दिन ये चीज़ें चाहे एक नॉर्मल लड़की के साथ या डॉक्टर के साथ होती चली आई हैं। जब तक कुछ कड़े रूल्स नहीं बनाए जाएंगे इन ऐसी चीज़ों के खिलाफ, तब तक हम अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित नहीं फील कर पाएंगे। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि हम अपने वर्क प्लेस पे, यहाँ तक कि हम कहीं पे भी अपने आप को सेफ फील कर सकें। अगर हम कलकत्ते की बात करें, तो जिस तरह से वहाँ पर इतने दिन हो गए, जो आरोपी थे वो भी नहीं पकड़े गए, काफ़ी लंबा समय लग गया, कहीं ना कहीं बंगाल सरकार की फेलियर इसमें नज़र आती है? बिल्कुल, सरकार और अथॉरिटी सबकी एक बहुत बड़ा फेलियर है। जो भी 7 दिन हो गए हैं और अब तक कोई भी एक्यूज़ पकड़ा नहीं गया है, जो एक्यूज़ पकड़ा भी गया है वो भी कुछ हमें पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन है उसमें। जो असली एक्यूज्ड हैं वो फरार हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे, उनको जो पूरा उनका प्लेस था वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और हॉस्पिटल की हालत ख़राब कर दी गई है, सब कुछ तोड़ दिया है वहाँ पे, और हॉस्टल्स में घुस घुस के रेजिडेंट्स को पीटा गया है। तो बिल्कुल एक तरह से फेलियर है, पूरा वहाँ के जस्टिस सिस्टम का फेलियर है, और इसी के अगेंस्ट हम सब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गॉड फॉरबिड अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है, तो उसके लिए पहले से ही कड़े रूल्स बनने चाहिए कि कोई करने का आगे से सोच भी ना पाए। आप खुद भी एक डॉक्टर हैं,
और जिस तरह से जो घटना हुई है उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं, जिस बर्बरता के साथ ये हत्या हुई है, आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग फीमेल भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अमानुष तरीके से उसके साथ घटना हुई थी। तो जिसने किया है वो इंसान तो था ही नहीं, वो तो जानवर ही था। जो उसने हरकतें की हैं, जिस तरह से चीज़ें सामने निकल के आई हैं, वो कोई मतलब वो दिमाग से सही आदमी नहीं था जिसने ऐसा किया है। किसी भी फीमेल के साथ बलात्कार तो ऐसे भी गलत है, कहीं पे भी किसी भी जगह वो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे रूल्स निकलने चाहिए कि हम हर जगह सेफ फील करें। और साथ ही साथ अभी तक तो डॉक्टर्स के साथ मारपीट की बात आ रही थी, अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि बलात्कार भी हो रहे हैं और घर में घुस के पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ भी मारपीट की जा रही है। तो मतलब इस तरह से ये ऐसी हालत हो गई कि हमारे हाथ पैर मुंह सब बांध दिए गए हैं, हम कुछ ना हम कुछ कह नहीं सकते। तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपसे बात कर लें, आपको भी ऐसा लगता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसकी फेलियर है, क्योंकि कल वहाँ की जो CM थी वो भी सड़कों पर निकल आई, तो क्या लगता है कि वो सही में समर्थन के लिए निकली हैं और या फिर कहीं ना कहीं उनका जो प्रोटेस्ट था वो एक दिखावा था? अगर 7 days के बाद उन्हें ये याद आ रहा है कि उनको प्रोटेस्ट के लिए आना चाहिए तो आई थिंक जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड ओनली। तो बहुत ज़्यादा फेलियर है गवर्नमेंट का वहाँ पे। और मतलब आफ्टर वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उसके 3 दिन बाद जो रेजिडेंट्स के साथ, जो वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ के साथ किया गया, उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब और कितना वेट, और कितनी देर लगेगी इस चीज़ को प्रूव करने में कि क्या हुआ है, कितना खराब हुआ है, कितना निंदनीय हुआ है, और उसके लिए कब तक पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब विद एवरी पासिंग डे सिर्फ प्रोटेस्ट करने से आई थिंक अब कुछ नहीं होने वाला है, देर हैज़ टू बी एन एक्शन अगेंस्ट इट। एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। आप अभी कुछ कह रही थी कि वहाँ की सरकार को क्या फेलियर की तरह पे देखते जो इतने दिन हो गए अभी तक सब आरोपी पकड़े नहीं गए? बिल्कुल बिल्कुल फेलियर है। अगर आप बस सबूत मिटाने के लिए वहाँ पे तोड़फोड़ करने के लिए 3,000 के संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर जो बच्चे हैं उनके हॉस्टल में भेज दे रहे हो, लोग उनको मारा पीटा भी जा रहा है, लड़कियाँ अपने हॉस्टल में डर के घुस गई थी, उन्होंने अपने हॉस्टल का दरवाज़ा लगा लिया था, उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा रेसिडेंट डॉक्टर्स को, उनका एक ही मकसद था कि उन्हें सबूत मिटाने थे। अगर इतना कुछ हो रहा है, निंदनीय है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस पर भी अगर अभी तक भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। अगर आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं अभी तक, जैसे इतने दिन हो गए अभी तक पकड़े भी नहीं गए हैं, तो क्या आगे आप लोग और कड़ा एक्शन लेने वाले हैं? जब तक ये आरोपी नहीं पकड़े जाते, वैसे तो 7 दिन हो चुके हैं, ये घटना इतनी जघन्य अपराध हुई है, इसमें CBI को लाने में इन्होंने इतना समय लगा दिया, CBI ने अब जाकर जो है उस प्रिंसिपल को पकड़ा है, जबकि किसी भी इंस्टीट्यूट में जब इतना बड़ा कांड हो जाए तो उसके इंस्टीट्यूट के वाले जो हेड है उसको सबसे पहले पकड़ना चाहिए था, आज जाके उसको पकड़ा गया है, 4 घंटे के अंदर अंदर उसका तबादला करा के दूसरी जगह लगा दिया गया था। तो साफ तरीके से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं हम ये स्ट्राइक चालू रखेंगे। अभी हमने एसेंशियल सर्विसेज चालू रखी हैं, इमरजेंसी चालू रखी हैं। अगर आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो आगे जाके ये भी हो सकता है कि हम ये भी बंद करें, और ये सिर्फ हमारे इधर नहीं होगा, ये पैन इंडिया होगा, पूरे भारत में बंद होगा, और जहाँ पूरे भारत में जैसा जैसा स्टेप्स उठाए जाएंगे वहीं वहीं हम भी यहाँ पे स्टेप्स उठाएं। हम अपनी डॉक्टर फ्रेटर्निटी के साथ हैं, हम उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, आगे जैसा भी होगा हम देखेंगे, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखिए ये ऐसी घटना है कि इस घटना में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ये कि एक नारी के अस्पताल पर हमला हुआ है, और ये सिर्फ हमला नहीं है, सिर्फ उसको जघन्यपूर्वक निर्दयपूर्वक उसकी हत्या कर दी गई है। तो ये सिर्फ ये प्रोटेस्ट सिर्फ डॉक्टर को नहीं करना चाहिए, ये तो देशी नागरिक को करना चाहिए। जैसे निर्भया कांड में जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, उसने बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था। हमें लगता है कि इस अगर इसमें न्याय नहीं मिलता है, अभी इसी बात जाँच चल रही है, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, न्याय प्रशासन पूरा भरोसा है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री सेटअप में रहते हैं, हमें इससे पूरा भरोसा है, ऐसा नहीं है। और बहुत पॉजिटिव भी हो गया, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर नहीं होता तो इससे कुछ सोचा आगे करनी है, हमें न्याय मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं सब यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि इस बार न्याय मिलना ही चाहिए, जो दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको भी बंद कर दें, क्योंकि अगर वो धरती के भगवान हैं तो कम से कम उनके साथ इस तरह की जघन्य हत्याएँ या जघन्य जो घटना हुई है वो कम से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो ब्लैक रिबन ब्लैक बैंड बांध के अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है, और शायद ये हम लोग को भी बांधना चाहते हैं, ब्लैक रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जब रक्षा ही नहीं की जा रही हमारी, तो हम किस बात का रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ये एक बड़ी बात है। इन्होंने इस घटना के विरोध में जो रक्षाबंधन है, सोमवार को जो रक्षाबंधन है उसको ब्लैक रक्षाबंधन घोषित करने की बात कही है। आप ये देखिए, सबके हाथ में यहाँ पर एक ब्लैक रिबन बंधा हुआ है, सबने अपने हाथों में बांध रखा है और इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस बार की रक्षाबंधन वो रक्षाबंधन नहीं है जो कि भाइयों और बहनों के बीच की होती थी, जिसको कि वो ये चाहते थे कि भाई उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि इनका ये मानना है कि जब फीमेल ही सुरक्षित नहीं है तो उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर रक्षाबंधन बांध रहे हैं। साथ ही कुछ हुआ, वो भी किसी की बेटी ही थी, किसी की बहन ही थी, और अगर मेरी बहनें, अगर हम इस देश में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है तो इस रक्षाबंधन का कोई मतलब नहीं, ब्लैक रक्षाबंधन ही है ये हमारे लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको सब लोग हमको भी ये बांध रहे हैं, और वाकई में हम मीडिया में हैं लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस घटना के पूरी तरह से विरोध में हैं। हम लोग भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उनको उतनी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि वो या उनके जैसे हरकतें करने वाले दूसरे लोग इस बात को याद रखें कि कभी भी उनको इस तरह की घटना नहीं करनी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।